अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को शरारे की कटिंग और उसके ऊपर लॉन्ग कुर्ती की कटिंग बताऊंगी। आजकल जो माँ बेटी सेम पहनते हैं वैसी तरह हमें ये कस्टमर ने दिया हुआ है। ये ज्यादा कपड़ा है, ये बड़े बड़े लेडीज का है और ये छोटी बेबी का है। तो इस तरह हम इसे आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें कुर्ती की कटिंग बताऊंगी, बच्ची की कुर्ती की कटिंग। देखिए ये कुर्ती है और ये इसके अंदर का अस्तर है। तो सबसे पहले हम इसे अस्तर पर कुर्ती का साइज डाल देंगे और इसे कट करेंगे। तो देखिए मैं किनारे से किनारा जोड़ रही हूँ, इस तरह किनारे से किनारा जोड़ते हुए मैं इस तरह इसे फोल्ड कर रही हूँ, फोर फोल्ड। अब इस पर हम लंबाई लेंगे। देखिए हमें लेंथ 19 इंच लेनी है, 19 इंच। और यहाँ पर हम शोल्डर लेंगे, शोल्डर हमारा यहाँ होगा 4.5 इंच। आर्मोल हमारा 4 इंच होगा। चेस्ट यहाँ पर होगा 5.5 इंच। और मार्जिन ले लेंगे हम, एक्स्ट्रा मार्जिन ली हुई है हमने 2 इंच। अब कमर की लंबाई है हमारी 8.5 और इसमें हम हिप की लंबाई लगाएंगे 12 इंचेस पर। कमर की चौड़ाई लेंगे हम 9.5, 4.5 और यहाँ पर भी हम 2 इंच मार्जिन लगाएंगे। यहाँ पर हम 5.5 लेंगे हिप के पास और 1 इंच मार्जिन लगाएंगे। अब हम इन सब निशानों को मिला लेंगे। इसके बाद हम दामन का साइज लगाएंगे। दामन हमारा 6 है, यहाँ 1 इंच मार्जिन लगाएंगे और इसे भी मिला लेंगे। इसे राउंड करते हुए अब हम इसे कट कर लेंगे। देखिए इसे हमने कट कर लिया है। अब हम इस कपड़े को भी सेम इसी तरह कट कर लेंगे, इसे रखते हुए अस्तर को। इसे भी हम 4 फोल्ड करके बिछाएंगे। देखिए इस तरह हम इसे 4 फोल्ड कर लिए। अब हम इस अस्तर को इस तरह रखेंगे इस पर और यहां से हम 2 से 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे कुर्ती का साइज। यानी हमें अस्तर कम रखना है और ये कुर्ती हमें ज्यादा रखनी है लंबी। तो अंदर अस्तर हमारा कम होता है, हम 3 इंच मिलाकर लेंगे और इसे भी सेम इसी तरह कट कर लेंगे। देखिए इस तरह हमने इसे कट कर लिया है। अब हम इसके ऊपर साइज लिख लेंगे। यहाँ पर हमारा 11 इंच साइज है, यहाँ पर हमारा 9 इंच साइज है और यहाँ पर हमारा 11 इंच साइज है। तो इस तरह हम यहाँ पर नंबर लिख लिए और नीचे से थोड़ा लॉन्ग रख लिया है हमने। तो इसके गले हम चौड़ाई में 1.5 इंच रखेंगे, लंबाई में गले के अकॉर्डिंग यानी 4 इंच और पीछे का गला 3 इंच। और पीछे हम एक हुक लगाएंगे। तो ये हो गई छोटी बच्ची की कुर्ती। अब हम सेम इसी तरह माँ की कुर्ती कट करेंगे, यानी कि बड़ी लेडीज की कुर्ती इसमें कट करेंगे। सॉरी, इससे पहले मैं इसके आस्तीन बता दूं। इसका कट बगल हम मापेंगे। इस कुर्ती का हम कट बगल मापेंगे। देखिए 6.5 इंच है। तो इसे लेते हुए हम पहले हाफ अस्तर कट कर लेंगे। देखिए आस्तीन की लंबाई हमें 5 इंच लेनी है क्योंकि ये हाफ आस्तीन है। और इसके बाद हम 2 इंच पर एक लकीर लगाएंगे और 6.5 इंच इस तरह इस पर रखते हुए क्रॉस ले लेंगे। यानी लंबाई के निशान से हम 2 इंच के निशान पर क्रॉस लेंगे और यहाँ पर हम आस्तीन की चौड़ाई हमारी रेडी है 4 इंच और यहाँ पर हम 1.5 इंच मार्जिन ले लेंगे। इसे मिलाएंगे और इसे कट करेंगे हम। देखिए हमारे हाफ आस्तीन हो चुके हैं। सेंटर में हम कट लगाएंगे। ये हमारे हाफ आस्तीन बन चुके हैं। अब हम इसे इस पर रखते हुए फुल आस्तीन कट करेंगे कपड़े पर रखते हुए। देखिए हमने ये फुल आस्तीन कट कर लिया है। हमने यहाँ पर 13 इंच लिया हुआ है। सिलाई करके हमारा 11 से 11.5 इंच का फुल आस्तीन आ जाएगा। नीचे हम थोड़ा सा क्रॉस कट कर लेंगे, कम ले लेंगे। देखिए हमारे ये आस्तीन हो चुके हैं। अब इसी तरह हम आस्तीन और कुर्ती जिस तरह हमने कट की थी इस तरह बड़ी कुर्ती कट करेंगे हम। ये हमारी ओढ़नी है। देखिए इसके अंदर का ये अस्तर है हमारा।
अब हम इस पर कुर्ती का साइज डालेंगे। देखिए हमने सबसे पहले लंबाई लेनी है, नीचे से हम टेप रखेंगे इस तरह लंबाई का। कुर्ती की लंबाई रेडी 33 है, तो मार्जिन मिलाते हुए हमें 2 इंच मिलाते हुए 35 लेना है, लेकिन हम अस्तर में 33 लेंगे, ये अस्तर है। तो नीचे से 33 इंच रखते हुए इस तरह हमने शोल्डर के पास टेप लगा दिया है, निशान लगा दिया है इस तरह। अब हमारे शोल्डर 12 है, 12 इंच, 12 का आधा होता है 6 इंच, यानी 6 लिया है हमने। इसके बाद हमारा आर्महोल है 6.5 इंच, 6.5 इंच। इसके बाद हम चेस्ट का हिस्सा लेंगे, चेस्ट है हमारा 18 इंच, 18 का आधा है 9 इंच, और इसमें 2 इंच मार्जिन मिलाएंगे। इसके बाद हम शोल्डर से दोबारा टेप रखेंगे और 13.5 इंच पर हम कमर की लंबाई लेंगे। कमर की चौड़ाई है हमारी 15 इंच, 15 का हाफ होता है 7.5, 2 इंच हम मार्जिन मिलाएंगे। अंदर से अंदर के निशान को और बाहर से बाहर के निशान को मिलाएंगे। यहाँ पर मैं 18 लिख रही हूँ और यहाँ पर 16, ताकि हमें सीते वक्त इजी हो जाए। अब यहाँ बगल में हम क्रॉस लेते हुए इसे राउंड कर लेंगे, इस तरह हमने इसे राउंड बना लेना है। अब हम हिप की लंबाई लेंगे, शोल्डर के पास से टेप रखते हुए हम 19.5 इंच पे, 19.5 इंच पे हिप की लंबाई लेंगे। हिप की चौड़ाई है 20 इंच, यानी 20, 20 का हाफ होता है 10 इंच, तो इस तरह हम 10 इंच लेंगे और 1 इंच मार्जिन लेंगे। अब इसे भी हम इस तरह मिला लेंगे और यहाँ पर हम 20 इंचेस लिख देंगे। इसके बाद हम दामन लेंगे 21 इंच, 21 का हाफ होता है 10.5, 1 इंच मार्जिन लेंगे हम, इसे इस तरह हम मिला लेंगे। देखिए इस तरह हमारी ये कुर्ती हो चुकी है डायग्राम डालने का। अब हम इसे कट कर लेंगे, शोल्डर के पास से हम कटिंग लेंगे, पूरा इसे हम कंप्लीट कट कर लेंगे। देखिए हमने पूरी कुर्ती कट कर ली है, अब हम इसमें कट का निशान लगाएंगे। देखिए ये जो हमारा चेस्ट के पास निशान था, इसे फोल्ड करते हुए हम इस तरह कट लगाएंगे। अब हम इसमें वेस्ट की चौड़ाई के पास निशान लगाएंगे, इसके बाद हम हिप के पास निशान लगाएंगे। तो इस तरह हमने इन सब में कट का निशान लगा लिया है। अब हम इस ऊपर के कपड़े को 4 फोल्ड करते हुए इससे 2 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए इसे भी कट कर लेंगे। देखिए इसे मैंने 4 फोल्ड करके बिछा लिया है कपड़े को, और नीचे से मैंने जो कम ज्यादा है उस कपड़े को इस तरह कट कर लिया है बराबर में। अब हम इस पर अस्तर बिछाते हुए 2 इंच बढ़कर लेंगे, कट करेंगे। देखिए हमने इस तरह इस कुर्ती को कट कर लिया है। ये हमारी कुर्ती नीचे से हमने 2 से 2.25 इंच बढ़कर रख लिया है। तो इस तरह हमारी ये कुर्ती कट हो चुकी है। अब हम इसके कट बगल मापते हुए इसके आस्तीन भी कट करेंगे। मैं इसके कट बगल माप लूंगी। देखिए ये 10 इंचेस है, यानी 10 इंच। तो पहले हम अस्तर में हाफ आस्तीन कट करेंगे। देखिए ये नीचे किनारा है, हमें सिलाई नहीं करनी है। तो इस तरह हमने 4 फोल्ड कर लिया है कपड़े को, इसकी लंबाई हमने 6 इंच ली है। अब ये 6 इंच पर रखते हुए हम 3 इंच पर 10 इंच का निशान बना लेंगे कट बगल का, और इसे क्रॉस करते हुए ले लेंगे, यानी इसी निशान को हम क्रॉस में भी ले लेंगे इस तरह। इसके बाद हम आस्तीन की चौड़ाई लेंगे 6.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन, आधे हिस्से तक हम ऊपर से राउंड बनाएंगे, उसके बाद नीचे से। देखिए मैं इसे कट कर रही हूँ, यहां से हम थोड़ा सा शेप दे देंगे इसे, और यहाँ बीच सेंटर में कट लगा लेंगे। तो इस तरह हमारे ये हाफ आस्तीन कट हो चुके हैं। अब हम इसे रखते हुए फुल आस्तीन कट करेंगे। फुल आस्तीन की लंबाई है 22 इंच रेडी। देखिए ये लंबाई हमने 23.5 ले ली है माया मिलाते हुए। अब यहाँ की चौड़ाई हमारी 5 इंच है, यहाँ पर हम 1.5 इंच मिलाएंगे और इसे इस अस्तर से मिला लेंगे इस तरह राउंड बनाते हुए।
और सेम हम अस्तर की तरह कट करेंगे। जिस तरह हमारा अस्तर कट है उसी तरह हम ऊपर अस्तर रख देंगे जो हमने कट कर लिया था साइज डालते हुए। अब हम यहाँ से इस तरह नीचे से ले लेंगे। देखिए हमारे सीकर तैयार 22 इंच के आस्तीन आ जाएंगे। ये नीचे फोल्ड है तो इसे हम ओपन कर लेंगे, खोल देंगे सिलाई कैंची से। ये हमारे आस्तीन हो चुके हैं। इस तरह हमारी दो कुर्ती कट हो चुकी है। ये कुर्ती हमारी माँ की कुर्ती है और ये हमारी छोटी स्मॉल बेबी की कुर्ती है। तो माँ बेटी के जो ड्रेस ट्रेंडिंग में चले हुए हैं उसी हिसाब से ये कटिंग बताई जा रही है। अब हम शरारे की कटिंग करेंगे। देखिए हमारी नेट है जिसमें हमें शरारे बनाना है यानी कि स्कर्ट। देखिए नेट में माप कर बता रही हूँ, ये 2 फोल्ड है और हमने ये 1.5 मीटर लिया हुआ है। तो इसमें पहले हम छोटा शरारा यानी छोटा स्कर्ट कट करेंगे। तो पहले हम अस्तर लेंगे, अस्तर भी हमने 1.5 मीटर लिया हुआ है। अस्तर को हम 2 फोल्ड पकड़ेंगे और इसे अम्ब्रेला फ्रॉक की तरह क्रॉस में बिछाएंगे। इसे बराबर करते हुए हमें क्रॉस में बिछा लेना इस तरह। देखिए इस तरह हमें क्रॉस में बिछा लिया है। अब हम कमर का साइज लेंगे। यहाँ पर हमें कमर का साइज लेना है, इस तरह भी ले सकते हैं लेकिन मैं यहाँ से 7 इंच लूंगी। देखिए राउंड इस टेप को फिराते हुए हम यहाँ पर 7 इंच लेना है और इसे हम राउंड कट करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा नेफा आता है। अब हम इसे साइज के अकॉर्डिंग लेना है। हम यह नेफा लगाते हैं 2 इंच का प्लास्टिक के साथ, इसलिए हम इसमें मार्जिंग नहीं लेंगे। जितना हमारा शरारे की लंबाई है उतनी लंबाई हम इसमें ले लेंगे। देखिए इसकी लंबाई हम 20 इंच लेंगे। इस तरह टेप को हटाते हुए हम 20 नंबर पर निशान बनाएंगे राउंड। मैं इस तरह इसे राउंड 20 इंच का निशान बना रही हूँ। अब हम इन सब निशानों को मिला लेंगे। इस तरह टेप को हटाते हुए हम टोटल 20 इंच का निशान ले रहे हैं और इसे कट कर रहे हैं। देखिए इस तरह हमारा ये नीचे का लहंगा कट हो चुका है अस्तर का। इससे हम 2 इंच या 1 इंच बढ़कर नेट कट करेंगे। इसी को डालते हुए हम नेट की कटिंग करेंगे। तो ये नेट को भी हम क्रॉस करके बिछा लेंगे जिस तरह हमने इस कपड़े को बिछाया हुआ था। नेट को बिछाने से पहले हम ये प्लेन कपड़ा कट कर लेंगे साइड से। प्लेन कपड़ा हम नहीं रखेंगे इसमें। अब इसके बाद देखिए नेट को हम इस तरह कॉर्नर का हिस्सा पकड़ते हुए क्रॉस कर रहे हैं। ये हमारा इस तरह क्रॉस हो चुका है। अब हम इस पर अस्तर उठाकर रखेंगे। देखिए इधर ओपन साइड है, ये ध्यान देते हुए हम इस तरह इसे भी बिछा कर देख कर रखेंगे। ये हमारा फोल्ड साइड है, इसे इस तरह हमने रख लिया है। ये कम ज्यादा है कपड़ा, इसके लिए मैं यहाँ से भी इसे कट करूंगी लेकिन हम इस तरह पीछे भी हटा सकते हैं। कपड़े को ध्यान देते हुए पीछे हटा लेंगे हम इसे। इस कपड़े को हम बराबर कर लेंगे। इसके बाद हम ये अस्तर को बिछाएंगे। अब देखिए हमें इस तरह ये कट करना है। इसे इस तरह फोल्ड करते हुए हमें नीचे से देखिए हम ये 1.5 इंच बढ़कर ले रहे हैं। आप यहाँ टेप से टिक करके भी कट कर सकते हैं, मुझे अंदाजा है इसलिए मैं ये इस तरह कट कर रही हूँ। देखिए इस तरह हमारा ये कट हो चुका है।
देखिए इसे मैं इस तरह ओपन करके बता रही हूँ, ये इस तरह घेरा बन चुका है। अब इसी तरह का अंदर अस्तर हम और कट करेंगे, क्योंकि हमें इसमें कैन नेट लगाना है। देखिए बचे हुए कपड़े को भी हमने इस तरह क्रॉस कर लेना है। ये अंदर की साइड यूज करना है, इसके लिए हम इसे और छोटा कट करेंगे। ये हमने 20 इंच लिया हुआ है। और इसे हम 18 इंच लेंगे। ऊपर का कपड़ा हम सेम कट करेंगे। देखिए हमें ये नीचे का कपड़ा 2 इंच कम लेना है, तो हम इसे 2 इंच ऊपर की तरफ छोड़ देंगे इस तरह, और नीचे से बराबर में कट करेंगे। देखिए मैं इसे निकाल कर बताती हूँ, ये हमारा 18 इंच है और ये 20 इंच है। ये हमारा पूरा अंदर लगेगा, इसके बीच में कैन नेट आएगा, और ये इसके बाद ये आने के बाद हमारी ये नेट लगेंगी। तो इसी तरह हम सेम बड़ा स्कर्ट भी कट कर लेंगे, यानी कि बड़ा शरारा भी हम कट कर लेंगे इसे, जिस तरह हमने इसे सेम कट किया है। सिर्फ हमारी लंबाई का फर्क होगा और चौड़ाई का फर्क होगा। तो इसका अस्तर हमने अलग लिया हुआ है। बड़ा स्कर्ट कट करने से पहले मैं छोटे स्कर्ट का नेफे की भी कटिंग बताऊंगी। ये हमें 2 फोल्ड कपड़ा लेना है। देखिए ये हमारा 2 फोल्ड कपड़े को हम साइज लेंगे। यहां से हमने शरारे की ये जो चौड़ाई है घेरे की, ये 7 इंच रखी थी, तो जब हम इसे ओपन करते हैं तो ये 14 होता है, लेकिन हमें यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, तो हम यहाँ पर 15.5 लेंगे, क्योंकि इलास्टिक में मोड़कर सिलाई की जाती है साइड में। अब देखिए यहाँ से हम 4.5 इंच लेंगे चौड़ाई। ये हमारा नेफा कट हो रहा है। इस तरह हम पहले इसे कट कर लेंगे। अब देखिए इस तरह हमारा ये 2 फोल्ड कट हो चुका है। अब ये जो हमारा फोल्ड साइड का कपड़ा है, हम इसे भी कट कर लेंगे, यानी कि ओपन कर लेंगे। अब हम इसे अटैच कर लेंगे और इसे इस तरह खोल देंगे। इसके बाद हम शरारे को जब लगाएंगे तो ये इस तरह फोल्ड हो जाएगा, इसके अंदर हमारी इलास्टिक आएंगी। तो इस तरह हमारा ये नेफा भी कट हो चुका है शरारे का, जिसे कि शरारा भी बोलते हैं, लहंगा भी बोलते हैं और स्कर्ट भी बोलते हैं। अब देखेंगे हम बड़ा स्कर्ट कट करने का तरीका, यानी बड़ा लहंगा कट करने का तरीका। इस पर अब इस टेबल पर ये कटिंग नहीं आती, इसके लिए इसकी कटिंग हम जमीन पर करके बताएंगे। देखिए इस तरह हमने ट्रायंगल शेप में बिछा लिया है कपड़े को, जिस तरह हमने छोटा लहंगा कट किया था शरारा। अब इसी कॉर्नर से हम 12 इंच पर निशान लगाएंगे। देखिए इस तरह हम 12 इंच पर निशान ले लेंगे यहाँ पर। देखिए इस तरह हम, है ना, देखिए इस तरह अब हमने 12-12 इंच पर यहाँ पर कॉर्नर से निशान बना लिया है। अब हम इसे पूरा राउंड 12 इंच का लेते हुए इसे कट कर लेंगे। ये हमारा हिप के ऊपर, यानी कि जहाँ हम नाड़ा बांधते इलास्टिक वहां पर आएगा ये हिस्सा। अब हम यहाँ से लहंगे की लेंथ 41 इंच है, तो हम यहाँ पर देखिए नेफा लगाते हैं 2 इंच का, तो 1.5 इंच यहाँ पर छोड़ेंगे। 2 इंच हमारा यहाँ नीचे की तरफ आता है, यहाँ पर मार्जिंग जाएंगी, तो 1.5 इंच का टेप हम जमीन पर रखते हुए 41 इंच का राउंड शेप लगाएंगे। देखिए नेफे का टेप हमने 1.5 इंच का यहाँ पर छोड़ दिया है, और यहाँ पर 41 इंच पर हमने इस तरह निशान लगाया है। अब इसी तरह हम टेप को हटाते हुए राउंड 41 इंच का 1.5 इंच का टेप छोड़ते हुए ही निशान लगाएंगे। हटाते हुए ऊपर भी हमें टेप हटाना है और नीचे भी टेप हटाते हुए 41 इंच पर निशान लेना है। देखिए इस तरह हमने 1.5 इंच का टेप छोड़ते हुए पूरा राउंड 41 इंच का इस तरह निशान लगा लिया है। अब हम इस निशान को मिलाते हुए कट कर लेंगे। देखिए पूरा टोटल इस तरह दिखता है।
देखिए हमने इस तरह ये कट कर लिया है। अब हम इसके जॉइंट भी कट करेंगे। छोटे शरारे में हमें जॉइंट नहीं आए थे, लेकिन ये बड़ा शरारा है तो यहाँ पर 2 फोल्ड कपड़ा कम है, तो इसे बचे हुए कपड़े को हम इसके किनारे को इसके नीचे रखते हुए कट करेंगे। देखिए इस तरह हमारा ये किनारा हमने ले लिया है। अब हम इस किनारे पर इसे हटाकर रखेंगे, आधा इंच मार्जिन लेते हुए। इसके ऊपर रखते हुए हम इसे कट कर लेंगे। देखिए इस तरह हमने यहाँ पर आधा इंच मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह कट कर लेना है। इसके नीचे आधा इंच जो मार्जिन लेने के लिए लिया है हमने, वो सिलाई में चले जाता है। अब इस कपड़े को इसके ऊपर बिछाते हुए हम यहाँ से सेम इसी घेरे की तरह कट कर लेंगे। ये हमारे ज्वाइंट कट हो रहे हैं। देखिए इस तरह हमारे ये दो ज्वाइंट कट हो चुके हैं। अब हम इसके बचे हुए कपड़े में नेफा कट करके बताएंगे। देखिए इस तरह किनारे के कपड़े को हमने 2 फोल्ड करके बिछा लिया है। अब हम यहाँ से 4 इंच कपड़ा लेंगे और यहाँ से हम 22 इंच का कपड़ा लेकर नेफा कट करेंगे। देखिए इस तरह हमने 4 इंच का नेफा कट कर लिया है। जब हम इसे इस तरह मोड़कर लास्टिक डालेंगे तो ये इस तरह 2 इंच होता है, लेकिन मार्जिन जाकर ये 1.5 इंच आएगा, तो इसमें हमारी लास्टिक आएंगी। अब हम नेट के कपड़े को रखते हुए सेम इससे डालते हुए कट करेंगे। देखिए इस तरह हमने नेट के कपड़े को फोल्ड करके बिछा लिया है। अब हम इस पर अस्तर उठाकर रखेंगे और 2 इंच बढ़कर कट करेंगे नेट के कपड़े को। देखिए इसे हमने अस्तर को इसके ऊपर रख लिया है। ये बाजू हमारी प्लेन नेट है, इसके लिए हम ये नेट कट करके हटा देंगे और इसके बाहर से हम बराबर में कट करेंगे यहाँ कमर के पास से। देखिए इसे हमने बराबर में कट कर लिया है कमर के पास, और साइड की प्लेन वाली नेट भी हमने कट करके हटा दी है। अब हम नीचे 2 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए कट करेंगे। देखिए ये इस तरह दिख रहा है। देखिए इसे भी हमने कट कर लिया है। देखिए इस तरह नीचे 2-2 इंच बढ़कर ले लिया है हमने। और नेट के कपड़े में हमें ज्वाइंट नहीं लगानी है, क्योंकि ये पूरा बड़ा कपड़ा था, अब इसमें हमें ज्वाइंट नहीं लगानी है। अब हम नेट के प्लेन कपड़े में ये जो हमने कट करके रखा हुआ है इसे रखते हुए नेफे के साथ कट कर लेंगे। देखिए हमारे दोनों शरारे और दोनों कुर्ती कट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी स्टिचिंग बताएंगे। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।